इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सावजी बिल्डिंग क्षेत्र से एक हत्या का मामला उजागर हुआ है, जहां प्रेस के साथ अनैतिक संबंध के चलते आरोपी ने अपने ही ममेरे भाई को मौत की घाट उतारा। रिश्तों के बीच रंगे खून खेल के कारण पूरा समाज दहल उठा है। दरअसल मामले में आरोपी 45 वर्षीय कबर उर्फ राजेश चौहान, मृतक 39 वर्षीय नितिन रोहनबाग का फुफेरा भाई है। आरोपी की पार्श्वभूमि देखें तो वह अपनी पत्नी को छोड़ पिछले 12 सालों से प्रेयसी के साथ लिविन में रह रहा था, जिससे उसे एक लड़का और लड़की भी है। लेकिन कुछ दिनों बाद सुप्त विवाद के चलते आरोपी और उसकी प्रेयसी ने अलग रहने का फैसला किया, जिसके बाद आरोपी का ममेरा भाई अर्थात मृतक 39 वर्षीय नितिन रोहन बाग जब सामान पहुंचाने गया, उसके बीच आरोपी की प्रेयसी आरती और मृतक के बीच प्रेम संबंध निर्माण हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आरती और मृतक दोनों साथ में रहने लगे, जिस पर आपत्ति जताते हुए आरोपी ने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद उसने फैमिली मीटिंग के जरिए समझा बुझाकर आरती के साथ रहना चालू कर दिया। लेकिन उसी बीच अचानक से दोनों के अनैतिक संबंध आरोपी की आंखें उजागर हुए, जहां गब्बर ने अपनी प्रेयसी और मृतक दोनों को शारीरिक संबंध प्रस्तापित करते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जिसके चलते आरोपी गब्बर ने अपने भांजे अनिकेत झंझोटे उम्र 27 वर्ष और रितेश झंझोटे के साथ मिलकर आज सुबह लगभग 3 बजे के दौरान मृतक नितिन की हत्या कर दी। वासना की भूख के चलते आगे आए इस खूनी खेल ने पूरे समाज को झंझोड़ के रख दिया। मुख्य आरोपी समेत उसके भांजे रितेश को हिरासत में लिया गया है और वही अनिकेत फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आज पुलिस स्टेशन इमामवाड़ा अंतर्गत जातुरुडी या ठिकाणी एका राहत्या घरामधून एक महिला नाम आरती यांनी पुलिस स्टेशनला येऊन सांगितलं की माझ्या घरामध्ये माझ्या नातेवाईकांना मारण्याकरिता लोक आलेले आहेत। या अनुषंगाने सदर ठिकाणी स्टाफ गेला असता थोड्या वेळाने सर्च केला तर बाजूच्याच गल्लीमध्ये एक जखमी अवस्थेमध्ये इसम मिळून आला। त्याचे नाव नितीन सोहनलाल रोहनबाग, रहना गंगाबाई घाट नागपूर, हा सदर महिलेचा नातेवाईक होता आणि या प्रकरणामध्ये तो महिलेच्या घरी मिळून आला आणि त्यानंतर महिलेचा पती घरी आला असता त्यांच्यामध्ये वादावाद झडप झाली आणि यामध्ये त्याला त्यांनी धारदार शस्त्राने इतर दोन साथीदाराच्या मदतीने जखमी केले आणि तो घटनास्थळावरच मृत झालेला आढळून आलेला आहे। यातील जो मुख्य आरोपी होता त्याचं नाव गब्बर उर्फ राजेश सौदान चव्हाण आणि याच्या पत्नी ज्या ठिकाणी राहत होती किरायाने त्या घरामध्ये हा मृतक संध्याकाळ रात्रीच्या वेळेला मिळून आला। तर प्राथमिक माहितीनुसार मृतक आणि आरोपीच्या पत्नीचे अनैतिक संबंध असावेत आणि त्या कारणावरून हा गुन्हा घडलेला आहे असं दिसून येते। तरी पण पुढील तपासामध्ये आरोपींना ताब्यात घेऊन इंटरोगेशनमध्ये ज्या काही गोष्टी समोर येतील त्या दृष्टीने तपास करण्याची सुरू आहे। यामध्ये एकूण आतापस्तरच्या चौकशीमध्ये एकूण 3 आरोपीचा सहभाग असावा असं दिसून येते। त्यापैकी 2 आरोपी ताब्यामध्ये आहेत, त्यांची अटकेची प्रक्रिया सुरू आहे आणि मृतक हा खाजगी कामधंदा करीत होता आणि आरोपी जो गब्बर आहे तो आयसोलेशन हॉस्पिटल या ठिकाणी स्टाफ म्हणून कार्यरत होता। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।